हेलो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इलेवंथ मैथमेटिक्स पार्ट टू चैप्टर नंबर सिक्स फंक्शंस के एम कर रहे हैं ओके फर्स्ट क्वेश्चन इफ लॉग ऑफ फाइव एक्स माइनस नाइन माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू लॉग टू देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओके इक्वेशन गिवन है लॉग ऑफ फाइव एक्स माइनस नाइन माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू लॉक टू लेफ्ट हैंड साइड में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी राइट ए की जगह अपने पास क्वेश्चन में फाइव एक्स माइनस नाइन बी की जगह एक्स प्लस थ्री सो ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा लॉग ऑफ ए बाई बी यानी कि फाइव एक्स माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस थ्री और राइट हैंड साइड इज इट इज लॉक टू यस अब लॉक से लोग कैंसिल हो सकता है देखो बेस सेम होना चाहिए तभी हम कैंसिल कर सकते हैं यहां पे बेस कुछ है नहीं तो बाई डिफॉल्ट वो नेचुरल बेस है मतलब इसका बेस भी ई है इसका बेस भी ई है मतलब दोनों का बेस सेम है तो लोग को लोक से कैंसिल कर सकते हैं तो बचा है क्या फाइव एक्स माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू यानी कि फाइव एक्स माइनस नाइन इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस थ्री ओके फाइव एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सिक्स यस टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस का और माइनस नाइन राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का फाइव एक्स माइनस टू एक्स इज थ्री एक्स सिक्स प्लस नाइन इज फिफ्टीन इसका मतलब एक्स इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन थ्री यानी कि फाइव यस ऑप्शन बी करेक्ट ओके इजी क्वेश्चन पर ध्यान रखना लॉग को लॉग से तभी कैंसिल कर सकते हैं जब बेस सेम होता है अगर बेस सेम नहीं है तो हम बेस सेम बना सकते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से ठीक है इसका आंसर ऑप्शन बी सेकेंड क्वेश्चन इफ लॉग ऑफ बेस टेन ऑफ लॉग बेस टेन ऑफ लॉग बेस टेन एक्स इक्वल टू जीरो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है लॉग बेस एन और इसके अंदर जो वैल्यू है वो है लॉग ऑफ बेस टेन अगेन लॉग ऑफ बेस टेन एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हम लॉग लेंगे लॉग मतलब लॉग को हटा रहा हूं लॉग को हटाएंगे तो ये जो बेस होगा ना वो राइट एंड साइड जाएगा और इसका बेस बनेगा मतलब ये वैल्यू तो इधर रहेगी लॉग टेन, लॉग बेस टेन एक्स और इधर यह बनेगा टेन डेज टू जीरो मतलब जो लॉक का बेस है ना वो भी एक्सपोनेंट का बेस बनेगा और राइट एंड साइड में जो कुछ भी है वो पावर में चला जाएगा राइट एंड साइड में जीरो है इसलिए टेन के पावर में जीरो ठीक है ओके लॉग बेस्ट टेन लॉग बेस्ट टेन एक्स इक्वल टू टेन डेस टू जीरो इज वन अगेन इस लॉक को हटा रहा हूं तो ये जो बेस टेन है राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट का बेस बनेगा मतलब राइट हैंड साइड में ये बनेगा टेन डेज टू राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो पावर में चला जाएगा तो लॉग को हटाया इधर से और राइट हैंड साइड में टेन डेस टू वन हुआ तो इधर बचा क्या लॉग एक्स बेस्ट टेन राइट ओके क्स बेस टेन इक्वल टू टेन डे टू वन इज टेन अब इस लोग को अगेन हटा रहे हैं क्योंकि हमें तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना so इस लोक को भी हटाया तो ये टेन राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट का बेस बनेगा और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो पावर में चला जाएगा बस लॉक हट गया तो एक्स बचा एक्स इक्वल टू टेन देश टू टेन ये आंसर है ऑप्शन बी थर्ड क्वेश्चन फाइंड एक्स टू लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू फोर ओके इक्वेशन गिवेन एट टू लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू फोर सो यह टू राइट एंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में मतलब लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू फोर बाय टू फोर बाय टू मतलब टू सो लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू टू एक्स का वैल्यू फाइन करना ना तो लॉक को हटाते हैं लॉक को हटाएंगे तो लॉग का बेस राइट एंड साइड में एक्सपोनेंट का बेस बनेगा यानी कि ये टू जो लॉक का बेस है वो राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट का बेस और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो पावर में इधर से एक्स बार आ जाएगा सो so, यानी कि सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन ऑप्शन बी फोर्थ इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है लॉक के फॉर्म में और इसके सोल्यूशन का नेचर बताना मतलब जो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो कोई एक इरेशनल वैल्यू होगी नो प्राइम वैल्यू होगी या दो रियल वैल्यू होगी या फिर एक इंटीजर वैल्यू होगी ठीक है तो सोल्व करते लॉग सिक्सटीन बेस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सिक्सटी फोर बेस टू एक्स इक्वल टू थ्री ओके यहां पे एक्स लॉग के बेस में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी ना एक्स लॉग के बेस में दोनों जगह और बेस भी अलग लगे एक जगह एक्स स्क्वायर है दूसरी जगह टू एक्स है अगर बेस सेम होता तो लोग तो लो की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे लेकिन बेस अलग लगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बेस को सेम बनाना होगा बेस चेंज प्रॉपर्टी से लेकिन सेम कितना कितना बनाए मतलब का बेस कितना होना चाहिए टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी अब यहाँ से वैल्यू है सिक्सटीन और इधर है सिक्सटी फोर लॉक के अंदर की वैल्यू सिक्सटीन एंड सिक्सटी फोर है सिक्सटी को लिख सकते हो टू रेस टू फोर सिक्सटी फोर को लिख सकते हैं टू रेस टू सिक्स मतलब ये जो लॉग के अंदर की वैल्यू है तो वो टू के पावर में जा रही है तो बेस टू होना चाहिए यस ओके इन जनरल बेस चेंज प्रॉपर्टी इस तरह से होती है लॉग बी बेस ए इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए और अपनी मर्जी से कोई भी बेस लगा सकते सपोज सी मतलब न्यूमरेटर में वैल्यू का लोग डिनोमिनेटर में बेस का लोग और फिर बेस अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंज कर सकते हैं तो so, ये ऐसे बनेगा ना log सिक्सटीन अपॉन लॉक एक्स स्क्वायर और अपनी मर्जी से कोई भी बेस तो हम यहां पे टू ले रहे हैं प्लस लॉक सिक्सटी फोर अपॉन लॉक टू एक्स दोनों के लिए बेस टू अपनी मर्जी से मतलब दोनों का सेम होना चाहिए न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी बस इतनी मर्जी चल सकती है अपनी ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में कुछ और बेस, डिनोमिनेटर में कुछ और बेस, वो फिर रॉन्ग हो जाएगा ठीक है सिक्सटीन को लिख सकते हो टू पावर फोर सो ये बनेगा लॉग टू पावर फोर बेस टू अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज लॉग एक्स स्क्वायर बेस टू ओके ओके यहाँ से इरेज कर रहा हूं सिक्सटीन को लिखा टू रेज टू फोर डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस सिक्सटी फोर को लिखा टू रेज टू सिक्स और डिनोमिनेटर को ऐसे लिखू क्या लॉग यहाँ पे लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी तो ये बनेगा लॉग टू बेस टू प्लस लॉग एक्स बेस टू ठीक है यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं लॉग ए बी दिस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी और ये प्रॉपर्टी तो पता है जब वैल्यू के ऊपर पावर होती है तो लॉग में वैल्यू बार आ जाती है सो so ये फोर बार आ जाएगा और अंदर बनेगा लॉग टू बेस टू वो वन हो जाएगा ठीक है लिखू क्या एक बार ठीक है लिखते हैं लॉग टू बेस टू अपॉन इधर ये वैल्यू बाहर आ जाएगी टू और अंदर बनेगा लॉग एक्स बेस टू प्लस सिक्स बार आएगा और अंदर बनेगा लॉग टू बेस टू डिनोमिनेटर में लॉग टू बेस टू इज प्लस लॉग एक्स बेस टू राइट हैंड साइड में थ्री थ्री चल रहा है इक्वल टू थ्री इक्वल टू थ्री ठीक है लॉग टू बेस टू इज वन तो ये वन हो गया और ये टू टाइम्स सो दिस इज टू अपॉन लॉग एक्स बेस टू प्लस सिक्स इन वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू थ्री ओके लॉग एक्स बेस टू को थोड़ी देर के लिए वाई कंसिडर कर लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए लॉग एक्स बेस टू सपोज वाई मान लेते मैंने मान लिया आप भी मान लो तो ये बनेगा टू अपॉन वाई प्लस सिक्स अपॉन वन प्लस वाई इक्वल टू थ्री y की वैल्यू फाइंड करते हैं y की वैल्यू आ जाएगी मतलब log x बेस टू की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर x की वैल्यू भी आ सकती है सो वन प्लस वाई टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू प्लस टू वाई और सिक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स वाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री समझ आया क्रॉस प्रोडक्ट और ये आपस में मल्टीप्लाई सो so, y प्लस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में थ्री के साथ मल्टीप्लाई होंगे और इधर ये सिंप्लीफाई होकर बनेगा टू प्लस एट वाई इक्वल टू थ्री वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर ओके क्वाडिटी की इक्वेशन बनी वाई में सो थ्री वाई स्क्वायर एट वाई राइट हैंड साइड में गया तो माइनस फाइव वाई टू भी राइट हैंड साइड में गया तो माइनस टू इक्वल टू जीरो नहीं क्या यस yes. ओके okay, आगे का पार्ट में नेक्स्ट स्लाइड में गा रहा हूं थ्री माइनस वाई माइनस टू सो थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो इसको इग्नोर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए फैक्टर वन दे क्या माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स प्लस वन यस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से थ्री वाई कॉमन आया तो वाई माइनस टू और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं एज इट इज अब यहाँ से वाई माइनस टू कॉमन आया तो इधर थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो मतलब या तो वाई इक्वल टू टू या फिर वाई इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री और वाई की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी यहाँ पे लॉग एक्स बाइस टू लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू टू तो एंटी लॉग लेंगे मतलब एंटी लॉग मतलब लॉग को हटा रहा हूं लॉग को हटाऊंगा तो लॉग का जो, जो बेस होगा वो राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट का बेस बनेगा यानी कि ये टू एक्सपोनेंट का बेस बनेगा और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो पावर में मतलब एक्स इक्वल टू फोर ठीक और दूसरा ओके लॉग एक्स बेस टू क्वल टू माइनस वन बाई थ्री रॉन्ग कर रहे माइनस वन बाई थ्री मतलब जब लॉग को हटाया तो लॉग का बेस एक्सपोनेंट का बेस बना और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो पावर में चला गया so, यहां से मिल रहा है एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रेस टू वन बाई थ्री दो सोल्यूशन है पहली बात तो और दूसरी बात ऑप्शन सी मैच हो रहा है ओके ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव इफ एफ एक्स इक्वल टू वन ओपॉइंट वन माइनस एक्स देन एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओके एफ एक्स इक्वल टू वन ओपॉइन वन माइनस एक्स ये गिवन है और हमें इस तरह से एक कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह एफ एक्स पुट किया तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह एफ एक्स पुट करते वन अपॉन वन माइनस एक्स की जगह एफ एक्स एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस अब एफ एक्स एक्चुअल में है क्या वन अपॉन वन माइनस एक्स सो वन अपॉन वन माइनस एक्स ठीक है सिंप्लीफाई करते राइट हैंड साइड को क्या बन रहा है वन अपॉन ये वन माइनस एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस एक्स और ये माइनस वन होल अपॉन वन माइनस एक्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वन माइनस एक्स ये चला गया इधर वन से वन कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में आया माइनस एक्स मतलब इसको अगेन सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ उन्होंने न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया तो ये बना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये क्या है एफ ऑफ एफ एक्स राइट ओके okay. हमें वन टू थ्री तीन बार एफ दिख रहा है ना तो एक बार और लेते हैं f ऑफ f ऑफ एफ एक्स मतलब फंक्शन एफ एक्स में x की जगह पे मैंने f ऑफ एफ एक्स पुट किया f ऑफ एफ एक्स तो राइट हैंड साइड में भी वही पुट करते हैं वन अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एफ एक्स ठीक है और f ऑफ एफ एक्स क्वेश्चन में हमें गिवन है ये रहा दिस इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स यस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स सिंप्लीफाई करते हैं जो भी राइट एंड साइड में बनेगा वही अपना फाइनल आंसर है क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना था सो इधर वन के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में तो यह बनेगा एक्स माइनस और इधर बनेगा एक्स प्लस वन क्योंकि बार माइनस ही इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और होल अपॉन एक्स मतलब जब ये एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होता तो है होल अपॉन एक्स आया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स डिनोमिनेटर में एक्स एक्स कैंसिल हुआ और डिनोमिनेटर से बचा सो अपॉन इज इज मतलब ऑफ ऑफ दिस इक्वल टू कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स एक फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देन एफ इनवर्स एट इज इक्वल टू ठीक है हमें एफ इनवर्स एट फाइंड करना तो पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड करते फिर एक्स की जगह एट पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ओके एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए एक्स की जगह एफ इनवर्स पुट करना होता है यस yes. एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स राइट हैंड साइड में भी एफ इनवर्स एक्स एक्स की जगह लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है तो होल पावर थ्री कर देते ना फिर एफ से एफ इनवर्स कैंसिल हो गया तो इधर बचा एक्स क्वल टू एफ इनवर्स एक्स और होल पावर थ्री सो यहां से एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आएगा थ्री लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मतलब पावर में ना थ्री लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वन पावर बनेगा मतलब एक्स रेस टू वन बाई थ्री ठीक है अब एफ इनवर्स एट इज इक्वल टू एक्स की जगह एट राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह एट एट रेस टू वन बाई थ्री एट को लिख सकते हैं टू पावर थ्री और पावर में वन बाई थ्री थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो कितना टू यस ऑप्शन ए करेक्ट है सिंपल क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री एक्स देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री एक्स और हमें एफ इनवर्स एक्स फाइन करना तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स पुट करते फंक्शन में so X की जगह एफ इनवर्स एक्स राइट हैंड साइड में भी टू इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री इंटू एफ इनवर्स एक्स ओके एफ से एफ इनवर्स कैंसिल हो गया तो इधर बचा एक्स इक्वल टू टू इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री इंटू एफ इनवर्स एक्स तो यह एक है, f x करना इसमें। लेकिन एफ इनवर्स एक्स को ना थोड़ी देर के लिए मैं वाई कंसिडर कर लेता हूं क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा एफ फिर पावर में माइनस वन और फिर ब्रैकेट लगा के एक्स नहीं ना एफ इनवर्स एक्स को वाई कंसिडर कर लेते हैं एफ इनवर्स फाइंड करना मतलब हमें वाई फाइंड करना रहेगा सो so ये बनेगा एक्स इक्वल टू इज एक्स इक्वल टू टू वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री वाई राइट वाई की वैल्यू फाइंड करना बस सो डिन नेटर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि एक्स माइनस थ्री एक्स वाई राइट हैंड साइड में टू वाई प्लस वन वाई वाले को एक साइड रखते हैं एक्स वाले को और कॉन्स्टेंट को एक साइड ताकि हम वाई का वैल्यू फाइंड कर सकें सो वन आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस थ्री एक्स वाई जाएगा राइट हैंड साइड में एक्स माइनस वन इक्वल टू टू वाई प्लस थ्री एक्स वाई और यहां से अगर y कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा टू प्लस थ्री एक्स और इधर x माइनस वन यानी कि y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस थ्री एक्स कौन सा ऑप्शन x माइनस वन अपॉन टू प्लस थ्री एक्स ऑप्शन ए ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें ठीक है ओके इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने के लिए ना ये स्टेप हम हटा सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप क्योंकि हमने क्लास में ऐसे सीखा है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए एक्स की जगह एफ इनवर्स पुट करते हैं लेकिन डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसको कि एक्स की जगह वाई पुट करना और एफ एक्स की जगह पुट करना मतलब इस फंक्शन में अगर मैं एफ एक्स की जगह एक्सपुट करूँ एफ एक्स की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई पुट करूं टू वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री एक्स थ्री वाई ओके एफ एक्स की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई और यहां से जो वाई की वैल्यू आएगी ना वही एफ इनवर्स एक्स होगा और आप देखो इस तरह से पुट करने से ना ये सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आ जाएंगे समझे क्या ओके रिपीट कर रहा हूं वापस एफ एक्स की जगह एक्स पुट करना है एक्स की जगह वाई पुट करना है और फिर वाई की वैल्यू फाइंड करना है। जो भी वाई की वैल्यू आएगी वही एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी ठीक है आई होप आपको ये समझ आया होगा और ऐसे ही करना मैं तो ऐसे ही करता हूं बट क्योंकि हमने क्लास में ऐसे सिखाया कि इनवर्स फाइंड करने के लिए एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स पुट करते हैं तो इसलिए ये दो स्टेप लिखे लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे ही करेंगे ओके एट क्वेश्चन टू टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एफ जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी हमें फाइंड करना है एफ वन देखो एफ वन क्या आ रहा है एक्स की जगह वन पुट करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह के वन पुट किया तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह वन बनेगा टू प्लस बी इन 1 वन इज बी प्लस सी मतलब एफ वन का वैल्यू टू प्लस बी प्लस सी अगर हमें बी एंड सी का वैल्यू मिल जाएगा तो एफ वन का वैल्यू मिल जाएगा और बी एंड सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में डेटा है कि एफ जीरो टू वन ठीक है equal to देखते एफ जीरोक्वल टू थ्री अगर आप फंक्शन में x की जगह जीरो पुट करोगे तो एफ जीरो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो एक्चुअल में एफ जीरो बनेगा क्या इधर जीरो फुट क्या इधर जीरो फुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सी, सी बना ठीक है सो सी इक्वल टू थ्री यस सी का वैल्यू थ्री अब एफ टू इक्वल टू वन एफ टू इक्वल टू वन तो फंक्शन में एक्स की जगह टू फुट करेंगे तो यह आएगा टू इंटू टू स्क्वायर प्लस

बी okay, एनसी का वैल्यू आ गया पुट करो एफ एन का वैल्यू आ जाएगा एफ एन इक्वल टू टू माइनस फाइव प्लस थ्री यस फाइव माइनस फाइव जीरो आ रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट ओके नाइन्थ क्वेश्चन द डोमेन ऑफ वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस एक्स इज ओके यहां पे फंक्शन है अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस एक्स इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन फाइंड करना तो डोमेन एक्स की वो वैल्यू होती है जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है अब ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा जब डिनोमिनेटर जीरो मतलब अगर हम ये फाइंड कर लें कि x की किस वैल्यू के लिए ये डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो रियल नंबर में से उसको माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो डोमेन होगा राइट देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस एक्स कब जीरो बनेगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स होगा मतलब माइनस एक्स राइट एंड साइड में गया तो प्लस का हो गया मतलब इक्वल टू एक्स ओके ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे होता है यस yes. जैसे आप टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लोगे तो टू ही आएगा थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लोगे तो थ्री आएगा माइनस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लोगे तो माइनस टू ही आएगा जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो ही आएगा बाकी अदर सेस में नहीं होता जैसे टू पॉइंट वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू टू आता है मतलब एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन एक्स इक्वल कब होंगे जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तब इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन एक्स माइनस एक्स जीरो कब होगा जब एक्स इंटीजर होगा और जब ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन माइनस एक्स जीरो होगा तब एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा मतलब इसके डोमेन में ना रियल नंबर में रियल नंबर में से जेड माइनस हो जाएगा क्योंकि जेड पे ग्रेटेस्ट निजे फंक्शन एक्स माइनस एक्स डिफाइन नहीं होगा क्योंकि उसके में ये जीरो बनेगा और जीरो डिनोमिनेटर में बन रहा है समझ रहे बात को ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें टेंथ क्वेश्चन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव इज ओके यहां पर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है सो डोमेन एक्स की वो वैल्यू होती है जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है तो यहां पे ना तो रूट है ना ही डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है अगर रूट होता तो हम देखते कि रूट के अंदर एक्स की किसी वैल्यू के लिए रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर होता तो हम देखते कि एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें तो एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी आप पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हो नेगेटिव इंटीजर पुट कर सकते हो फ्रैक्शन, डेसिमल जीरो कुछ भी पुट करो फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी मतलब फंक्शन एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है इसका मतलब इसका डोमेन आर है कि नहीं यस डोमेन रेंज की बात करें हम बता मॉड फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता जीरो हो सकता है जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता मतलब जीरो से ग्रेटर होता है और इंफिनिटी से लेस राइट right? आप अगर एक्स की जगह नेगेटिव भी पुट करोगे तो मॉड की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगी लेकिन मिनिमम वैल्यू जीरो आ सकती है जैसे एक्स इक्वल टू फाइव पुट करोगे तो फाइव माइनस फाइव जीरो यस जीरो आ सकती है सो मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव जीरो से इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो बट एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी ठीक ओके यहां पर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देते तो माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस फाइव अब यहां पे इन दोनों जगह पे माइनस लगाएंगे ना तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस जीरो माइनस जीरो को तो फर्क नहीं पड़ेगा जीरो रहेगा इधर जीरो इधर माइनस इन्फिनिटी लेकिन जब माइनस लगे तो माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और जीरो राइट हैंड साइड में चला जाएगा इसके साथ लेस देन और इक्वल टू है तो इधर लेस देन और इक्वल टू आएगा इधर लेस देन है तो इधर लेस देन आएगा ठीक ऐसा क्यों तो सपोज टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री ऐसा लिखा हुआ है मतलब तो एक्स तो की एक वैल्यू टू से ग्रेटर है थ्री से लेस है टू मतलब कोई एक्स की वैल्यू होगी जो टू से ग्रेटर होगी थ्री से लेस होगी ठीक अब अगर मैं एक्स की जगह मतलब तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस वन से तो ये बनेगा माइनस एक्स इधर बनेगा माइनस टू और इधर बनेगा माइनस थ्री लेकिन अब ये साइन नहीं लगा सकते क्योंकि माइनस टू ग्रेटर हो गया और माइनस थ्री लेस हो गया सो माइनस थ्री तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस टू जाएगा राइट हैंड साइड में इस तरह से यानी कि जब इन को इसको डबल इन इक्वलिटी बोलते हैं जिसमें इस तरह के दो बार साइन होते हैं ना दिस इज डबल इन इक्वलिटी डबल इन इक्वलिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में चला जाता है और तीनों अब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और साथ में जो इन इक्वलिटी का एग्जेक्ट साइन है वही साइन देता है जैसे यहाँ पे लेस देन है तो लेस देन लेस देन और इक्वल टू है तो इधर लेस देन और इक्वल टू वो भी साथ में जाता है आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा ये कि ऐसा क्यों होता है ठीक है ओके अब यहां पे माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव तो हो गया टू प्लस हो रहा है माइनस इन्फाइनेट में तो प्लस टू करो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इधर प्लस टू करेंगे तो ये बनेगा टू माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव और इधर जीरो में प्लस टू करेंगे तो ये टू बन जाएगा और टू माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव एफ एक्स है इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू माइनस इंफाइनेट से टू तक है मतलब इसको ऐसे थोड़ा लिखू तो एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनेट टू टू इंक्लूडिंग टू बट एक्सक्लूडिंग माइनस इंफाइनेट कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी यस ऑप्शन बी करेक्ट ओके ठीक है असाइनमेंट कंप्लीट